तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, दिल्ली से रवाना हुए राजनाथ सिंह थोड़ी देर में जयपुर पहुंचेंगे। पर्यवेक्षक हैं और अब दिल्ली से रवाना हो चुके हैं राजस्थान के लिए। थोड़ी देर में जयपुर पहुंचेंगे और जयपुर में ही पार्टी दफ्तर में मीटिंग होनी है और उसके बाद वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी, मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान होगा। राजनाथ सिंह यहां से रवाना हो चुके हैं। शाम 4 बजे राजस्थान में विधायक दल की बैठक होगी और इसमें विधायक दल का नेता चुन लिया जाएगा। शाम 5 बजे तक राजस्थान के सीएम का ऐलान संभव। थोड़ी देर में राजनाथ सिंह पहुंचेंगे जयपुर। राजनाथ जी जाते कुछ बोले क्या? तो दिल्ली से रवाना हो चुके हैं राजनाथ सिंह। इन सबके बीच में बीजेपी विधायक जो पार्टी दफ्तर जयपुर में पहुंचे हुए हैं, उनके तरफ से क्या रिएक्शंस हैं वो भी आपको सुनवाते हैं। चौंकाना तो मोदी जी की कार्यशैली का हिस्सा है और ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है कि एक साधारण से कार्यकर्ता को अचानक से उठा के कह दिया जाता है कि तुमको बड़ी भूमिका निभानी है। तो कोई भी किसी भी समय किसी भी भूमिका में आ सकता है, ये मोदी राज में सब कुछ मुमकिन है। देखिए, जनता ने जिसको ठुकराया उसका कोई अधिकार नहीं कि मुझे कोई नई जिम्मेवारी दे। मुझे जिस तरह की भूमिका में पार्टी रखेगी उसी तरह की भूमिका को सहर स्वीकार करूंगा। और 3 सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पे अपडेट के साथ। रवि त्रिपाठी दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं, अंकुर त्यागी लगातार जयपुर से रिपोर्ट कर रहे हैं, रविंद्र कुमार हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हैं। सबसे पहले रविंद्र, आपका रुख कर रही हूं मैं, अपडेट क्या आपके पास? खबरें सामने आ रही है राजनाथ सिंह यहां से रवाना हो चुके हैं जयपुर के लिए। बिल्कुल, राजनाथ सिंह, सरोज पांडे और विनोद तावड़े, ये तीनों रवाना हो चुके हैं और 1 घंटे के अंदर पहुंच जाएंगे जयपुर। जाहिर सी बात है, वहां पर विधायक दल की जो बैठक है शेड्यूल 4 बजे से, उसके बाद विधायकों की बैठक होगी, उसके पहले पंजीकरण होगा और जो पर्ची या फोन जाएगा राजनाथ सिंह के पास उसके नाम का वह ऐलान हो जाएगा। अब ये देखने वाली बात होगी कि जैसा कि शिवराज सिंह चौहान ने प्रस्तावक थे, रमन सिंह प्रस्तावक थे, उसी तरह से जाहिर सी बात होगी अगर वसुंधरा राजे को नहीं बनाया जाता, जिसकी संभावना बहुत ज्यादा दिख रही है, वैसे सूरत में वो प्रस्तावक होंगी किसी दूसरे के नाम पर, चाहे वो महिला हो या फिर दूसरे समाज के। ऐसे में जो इतिहास अभी 2 दिन पहले रचा गया है वही इतिहास यहाँ पर भी रचने की पूरी संभावना जताई जा रही है। लेकिन एक बात है कि आपको याद होगा अगर समय है तो, कि बहुत पहले एक नंबर की लॉटरी चलती थी, 2 अगर बुधवार को आया, 2 अगले बुधवार को आया तो लोग बड़ी संख्या में लॉटरी खरीद लेते थे 2 नंबर की बुधवार को और 7 नंबर आ जाता था, पूरा पैसा डूब जाता था। तो ऐसा नहीं कि हम लोग कह रहे हैं कि परंपरा निभाई जाएगी, हो सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर वसुंधरा राजे को भी एक बार चांस दे दे, लेकिन जिसकी संभावना बहुत कम दिख रही है। रवि, आपके पास क्या जानकारी है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यही है, वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री एक बार फिर बनाई जाएंगी या नहीं जाएंगी? 2 राज्यों में जो बीजेपी ने फैसला लिया उसको देखते हुए प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि इस बार शायद वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री बीजेपी नहीं बनाएगी, नया चेहरा लेकर आएगी। रवि? नहीं, देखिए, जो बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से वसुंधरा राजे रेस से बाहर हो गई हैं। अब देखिए, धीरे धीरे जैसे जैसे समय नज़दीक आता जा रहा है, ये जरूर पता चल रहा है कि कौन बनेगा या नहीं बनेगा, ये तो नहीं पता चल रहा, लेकिन कौन नहीं बनेगा इसकी तस्वीर साफ होती जा रही है। वसुंधरा राजे रेस से बाहर हो गई हैं। जो 2 और नाम थे इसमें, ओम बिरला जो अभी स्पीकर हैं उनका नाम भी चल रहा था, वो भी रेस से बाहर हैं। जो अर्जुन राम मेघवाल जो केंद्रीय कानून मंत्री हैं, वो भी पहले नाम में थे, उनका नाम भी बाहर हो गया। तो अब ये तय है कि जो विधायक जीते हैं चुनाव, चाहे तो दिल्ली से गए हैं, चुनाव लड़े हैं, जीते हैं, उनमें से कोई नाम होगा। महिलाओं पर ज्यादा फोकस इसलिए किया जा रहा है कि समीकरण देखिए साधना है, समीकरण इसलिए साधना है कि महिलाओं ने वोट किया है बीजेपी के लिए और एक मुश्त वोट किया है, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो और देश भर में। तो महिला आबादी को एक मैसेज देना है कि हमने आपका रिप्रेजेंटेशन दिया है और साथ साथ दलित आबादी, देखिए दलित और महिला हो सकता है कि दोनों कॉम्बिनेशन हो, कि एक महिला हो जो दलित समाज से भी आती हो, ये भी हो सकता है, और एक हो सकता है कि कोई पुरुष जो सीनियर हो, आरएसएस का पुराना आदमी हो, उसको भी लाया जा सकता है। एक नाम चल रहा है जिसके जिक्र किया जा रहा है, समथिंग जोगेश्वर गर्ग करके नाम है। तो कई सारे नाम चल रहे हैं, लेकिन जो तय लग रहा है, जिस तरह से आदिवासी समाज को आपने साधा है, ओबीसी समाज को साधा है, तो एक महिला वर्ग जिसको प्रधानमंत्री मोदी के जो प्रायोरिटी है, जिन्होंने कहा है कि जाति जो है अब देश में 4 ही बटी है, तो उसमें से महिलाओं को उन्होंने फोकस किया है। बहुत सही कहा आपने रवि, और राजस्थान के लिहाज से ये संदर्भ, जिस तरीके के आप इक्वेशन यहां बताते समझाते नजर आ रहे हैं, महिला मुख्यमंत्री हो सकती है, बड़ा सरप्राइजिंग ये नहीं होगा लोगों के लिए, क्योंकि राजस्थान में क्या स्थिति महिलाओं की रही है, और बीजेपी हमेशा से महिला सशक्तिकरण की बात करती रही है, तमाम तरीके से हमने देखा है क्या अभियान चलाते रही है, तो हो सकता है वसुंधरा राजे नहीं है। आप ये जानकारी भी दे रहे हैं कि इस रेस से अब बाहर हो चुकी है वो, ये नाम सामने आ रहा है, लेकिन महिला मुख्यमंत्री पर भरोसा एक बार फिर जताया जा सकता है, 4 नाम जो हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं। अंकुर का मैं रुक कर रही हूं, अंकुर पार्टी दफ्तर के बाहर आप मौजूद हैं, क्या हलचल वहां, कौन कौन पहुंच चुका है?
देखिए फिलहाल अभी 10 से 15 के करीब जो विधायक हैं वो यहाँ पर ऑलरेडी आ चुके हैं और क्रम जो है वो लगातार यहाँ पर बना हुआ है और जो भी विधायक इस गेट से आता है उसको आगे जाना पड़ता है। आगे एक जो व्यक्ति है वो ये अपनी लिस्ट लेके खड़े हुए हैं, उनके हाथ में लिस्ट है जो जिन्होंने अपना पट्टा यहाँ पर डाल रखा है, तो ये इनके हाथ में जो पीछे लिस्ट आपको दिखाई दे रही है उसको टैली किया जाता है कि कौन विधायक है, कहाँ का विधायक है, और फिर जब उसका मार्किंग होती है तो फिर उसको अंदर जो जहाँ पे विधायक दल की बैठक होनी है जिस बीजेपी के दफ्तर में वहाँ पर उसको भेज दिया जाता है। अब यहाँ से जो क्रम है आप लगातार जो कह रही थी, जो मेरा जैसे रवि जी भी कह रहे थे यहाँ पर महिला एक नाम हो सकता है, अगर आदिवासी या फिर जो SC ST कम्युनिटी की महिला होती है तो एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है, हालांकि सब कयास ही हैं लेकिन इनको जिस तरीके से समझा जाए तो अनीता भदेल एक नाम आता है। अनीता भदेल अजमेर से आती हैं और 5 बार की विधायक रहे अपने आप में और SC ST कम्युनिटी का चेहरा है और अभी हाल ही में उनको सर्वश्रेष्ठ विधायक का भी उनको अवार्ड मिला था। बहुत क्लीन छवि है, किसी तरह का आरोप नहीं है, तो इस तरह अगर एक एक प्रोफाइल अगर आप खंगालेंगे तो ऐसे कई सारे नाम निकल के आएंगे। आपस में आपका रुख करूंगी क्योंकि 4 महिला चेहरों को लेकर के हम बात कर रहे हैं और जिसकी जानकारी अंकुर भी दे रहे थे वो जरा आपको हम बताते हैं कौन कौन सी वो महिला चेहरा है। सबसे पहले देखिए अनीता भदेल की बात हम कर लेते हैं, सिद्धि कुमारी और दीप्ति किरण महेश्वरी, दिया कुमारी, ये वो 4 महिला चेहरे विधायक जो इस इसमें शामिल है, इन्हें मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। सबसे पहले नंबर पर अनीता भदेल के बारे में भी आपको हम जानकारी देते हैं कि किस तरीके से इन लोगों का राजनीतिक करियर भी क्या रहा है, क्या लिहाज रहा, किस लिहाज से आज इन्हें अगर मुख्यमंत्री चुना जाएगा तो चुना जा सकता है। ये 4 वो चेहरे हैं जिसे लेकर के लगातार प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि ये 4 चेहरे अनीता भदेल हो, सिद्धि कुमारी हो, दीप्ति किरण महेश्वरी हो, दिया कुमारी हो, ये मुख्यमंत्री बनाई जा सकती हैं।